ढूंढा है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अब दूसरी बात, उस प्रोडक्ट को किसी कॉर्पोरेट कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के पास जहां से 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लाख में भी वो शुरू कर सकते थे। मुझे मालूम है, इतना होने के बावजूद भी क्यों राजा को सेलेक्ट किया है? उन्होंने राजा के अंदर किसी चीज को देखा है, और राजा के पास जो है इनसे वो प्रोडक्ट लेके उस पर भी हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? अपना फुस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो पोटेंशियल और इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा? यस, वो पोटेंशियल और इम्प्रूव होगा। वो चीज हमारे हाथ में, क्यों नहीं दिया यहाँ पर? इसलिए दिया है, इस बंदा के अंदर लोगों के प्रति अच्छा प्यार है, लोगों के प्रति अच्छा विचार है, देश के प्रति अच्छा विचार है। इस आदमी का आत्मीय लेने से गांव में कोने कोने में इसको पहुंचाया जा सकता है सही तरीके से, सही तरीके से। और किसी और आदमी ध्यान से उसका रेट पता नहीं, वो कितना लगाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, लेकिन आज मैं कितना लगाया हूँ इन दोनों को पता है, उनको पता है, इतना रिस्क लेके लगाए हैं। तो वैसे एक एक बहुत बड़ा एक इन्वेंशन है, उस इन्वेंशन को आपका सामने वो प्रसन्न करने वाले हैं वैसा एक नया इन्वेंशन को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, डेमोंस्ट्रेशन देने वाले हैं। क्या आप उसको हासिल करने के लिए तैयार हैं? यस। आवाज नहीं आया। यस। क्या इस नया इन्वेंशन को लोगों को गांव-गांव में कोने-कोने में पहुंचाने के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं? यस। आपको एक बात को ध्यान रखो जो मैं करते आ रहा हूं, अगर आपका काम इस धरती को बचाने के लिए अगर 1% भी अगर किया तो ये धरती आपको, ये धरती और धरती में रहने वाला चीजों को जो इंसान 1% अपने एफर्ट्स को देता हो उनका 20% जिंदगी को बचाने के लिए ये धरती मदद करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. इसका अंदर सच्चाई है? Yes. धर्म है? Yes. रियलिटी है? Yes. तो आज के बाद ये धरती में रहने वाला लोगों के लिए 1% हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है। Yes. तो उस महा सक्सेस को मैं वेलकम करूं। Yes. तो वेलकम करते वक्त ऐसे एक चिटिया होना चाहिए, ऐसे एक तालियां होना चाहिए, एक अल्लाह अल्लाह भी सर होना चाहिए। इसका रेवलेशन जो आज इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका रिजल्ट आपको आज पता नहीं चलेगा, एक साल के बाद इंडिया के अंदर एक भी किसान बाकी नहीं होगा जो उस प्रोडक्ट को संभाल ना करता हो। वंडरफुल। तो एक साल बाद अपना टर्नओवर क्या होगा, आपका टीम का टर्नओवर क्या होगा? इस बात से भाई राजा आज तक जो भी बोला है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ विद इन वन ईयर एक साल के बाद एक भी किसान भाई इस प्रोडक्ट के बिना खेती बाड़ी नहीं करेंगे, एक भी किसान भाई। कारण एक साल के अंदर कोने कोने में हम पहुंचा देंगे। लेकिन हम इंट्रोड्यूस पड़कूडिय व्यवसाय सम्बन्धप्பட்ட பொருளே இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த உலகத்துல நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு விவசாயி கூட இதை பயன்படுத்தாத விவசாயி இருக்கவே முடியாது, इसके लिए वैसे एक तगड़ा चीज को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, गांव-गांव में जा सकता है। एग्रीकल्चर के अंदर कितना भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, एग्रीकल्चर के अंदर इंटरनेशनल अंदर कितना भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, विद इन 3 मिनट्स डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाने का प्रोडक्ट किसी के पास है? नो, ओनली 3 मिनट्स के अंदर सामने वाला किसान भाई का दिमाग खोपड़ी ओपन हो जाएगा, अगला सेकंड पार्टी से पैसा आएगा। वेरी गुड। इसलिए आज का बात आपका चाल चलन सब कुछ बदलना चाहिए, चाल चलन सब बदलना चाहिए, एकदम हीरो बन के चलना चाहिए। घर में सीधा डिक्लेयर कर दो मंथली इनकम और 6 महीने के अंदर मिनिमम 5 लाख मेरा उदय होगा, इस पर डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर करो। और दूसरी बात, अपना जो है पैरेलल टीम को साथ कम्युनिकेशन प्लीज मत रखो, किसी और का मेहनत को छीनो मत, किसी और का मेहनत को प्लीज मत छेनो, वो बहुत गलत बात है, वैसे मत करो, उसको गड्ढा में डालोगे खुद भी गड्ढा में गिर जाते हो। इसलिए मैं उनको बुलाना जा रहा हूँ, यानी बहुत दिल से मैं खुश हूँ आज, इसलिए खुश हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल का एक ये इन्वेंशन को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे हजारों जो है किसान भाई की जिंदगी में हम जो है सुधार लाने जा रहे हैं, और हजारों किसान भाई जो सुसाइड कर रहे हैं उनको बचाने जा रहे हैं। तो वाकई में मतलब एक बहुत बड़ा एक पुण्य काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो आई वुड लाइक टू वेलकम द ग्रेट पर्सनालिटी डॉक्टर योगेश जी, वेलकम ऑन स्टेज। सर बढ़िया से तैयारी होना चाहिए, भूल गए क्या? हेलो हेलो, थैंक यू थैंक यू।
आज से सब लोग जाग जाएंगे. गुड मॉर्निंग लीडर्स. गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो सर को धन्यवाद देना चाहूंगा. थैंक यू सो मच सर. इस इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोडक्ट, अभी तक हमने जिस जितने प्रोडक्ट देखे थे वो सारे नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रहे थे, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च हो रहा है वो हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, जो किसानों का, देश का और जो लीडर्स को पैसों से मालामाल करते हैं. मैं हर जगह एक बात बोलता हूँ, आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सब लोग बोलते हैं बेटियों को मार डालोगे तो बहू माँ कहाँ से लाओगे. मैं कहता हूँ किसानों को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे. अन्नदाता देवो भव. कृषि कृषि वह विज्ञान है जो आदि अनादि काल से चली आ रही है. कृषि का जो शब्द है वो हमारी जो परंपरा है,